हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना कुक विद रंजना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही इडली और चाट इडली। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने मीठी इमली की चटनी बनाई है, धनिया की चटनी, झीना वाला सेव रखा है, धनिया भी मैंने कट करके रखा है। दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, फेंट लिया है। अब इस पर मैं चार पाँच चम्मच मैं इस पर दही फैलाऊँगी। और रात को मैंने इडली और सांभर बनाया था तो वो बच गया था, तो फिर दोबारा तो कोई उसको खाएगा नहीं, इसलिए मैंने उसको सोचा चलो कुछ अलग बना देती हूँ ताकि सब लोग खा भी लेंगे और टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसमें मैंने दही डाल दिया है, मिर्ची पाउडर थोड़ा अपने हिसाब से डाल दिया है, जो जो आपको तीखा चाहिए तो आप तीखा डाल देना। नमक डाल दिया है मैंने इस पर, धनिया कट करके रखा था वो डाल दिया है। और इसमें मैं तड़का लगा दूंगी, जीरा, सरसों और हरी मिर्च का, लाल मिर्च का तड़का भी डाल सकते हो आप। और ये देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये दूसरा वाला जो चाट बनाया है ना मैंने, इडली चाट, उस पर मैंने इमली की मीठी चटनी फैलाई हुई है, 4 चम्मच 5 चम्मच जो आपको जितना चाहिए खट्टा मीठा उतना डाल सकते हो। धनिया की चटनी भी मैं इस पर डाल दूंगी, कटा हुआ धनिया भी डाल दूंगी। मैंने इसमें नमक डाल दिया है, सेव, झीना वाला सेव डाल दिया है। और सच में ये इतना बढ़िया बना, मैंने फिर से वापस इस पर थोड़ा सा इमली की चटनी फैला दी है और धनिया की चटनी भी फैला दी है, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही चेंज, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार बना के देखो, सच में एक अलग ही टेस्ट आएगा इसका। ये दुकान का चाट खाना आप भूल जाओगे, ये चाट के आगे वो दुकान की चाट फेल है। तो एक बार आप बना के और कमेंट करके बताना मुझे कि कैसा लगा आपको, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।